कोमबल्ला माधवी लता हैदराबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से बीजेपी की कैंडिडेट, विंची हॉस्पिटल्स की चेयरपर्सन है और अपने आप को एक सोशल वर्कर बताती है। तो आज हम आपको उनके काम का और ये जो सोशल सर्विस करने का ढोंग करती है उसका आज हम पर्दाफाश करेंगे। माधवी लता ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो पिछले 18 साल से चैरिटेबल एक्टिविटीज में है, पिछले 8-10 साल से वो लोपा मुद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट चलाती है जिसकी सच्चाई आज हम आपको बताएंगे। तो उनका ये कहना है कि पिछले 8-10 साल से वो ट्रस्ट चलाते हैं, जबकि हम लोपा मुद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट की वेबसाइट पर जाएंगे तो उस वेबसाइट का रजिस्ट्रेशन 14 अप्रैल 2023 को हुआ, और जब आप उस ट्रस्ट के फेसबुक पेज पर जाएंगे तो फेसबुक पेज 28 अप्रैल 2023 को ही बनाया गया, और जब आप उस पेज पर स्क्रॉल करेंगे तो आपको उस ट्रस्ट के लोगों के अलावा कुछ नहीं नजर आएगा, कोई अपडेट्स नहीं है, सिर्फ एक फोटो है जिसमें माधवी लता मुस्लिम खवातीन के साथ खड़ी हुई है। फिर जब आप लोपा मुद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पे ये बताया जा रहा है कि वो कई सालों से सोशल सर्विस कर रहे हैं और उनकी सोशल सर्विस के 5 प्रोजेक्ट्स उस वेबसाइट पर बताए गए हैं। हाउस एंड एड डिलीवरीज, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, फूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो 1008 डिलीवरीज की बात कर रहे हैं, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो ना कोई फोटोज है, ना डिटेल्स है, ना डेटा है। फिर जब आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के टैब पर क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट के तो कोई फोटोज नजर नहीं आ रहे, एक फोटो है जिसमें माधवी लता मुस्लिम खवातीन के साथ खड़ी हुई है और कोविड के टाइम कुछ लोग बैठे हुए हैं, काउंसलिंग चल रही, एम्प्लॉयमेंट मतलब कुछ ट्रेनिंग, एम्प्लॉयमेंट कोर्सेज की ट्रेनिंग तो कुछ ऐसा नजर नहीं आ रही, जबकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि कोई चीज की ट्रेनिंग देना, कोई कोर्सेज की, जैसा कि वोकेशनल ट्रेनिंग, कंप्यूटर्स, टेलरिंग वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसे तो कोई डिटेल्स या प्रूफ हमको यहाँ नजर नहीं आ रहे। फिर जब आप एजुकेशन के टैब पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 3 फोटोज नजर आ रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं, ये किसी स्कूल के इवेंट में जाकर क्लिक किए हुए फोटोज है, जबकि माधवी लता ने यह दावा किया है कि उन्होंने एजुकेशन के लिए बहुत काम किया है। फिर जब आप हेल्थ केयर के टैब पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी कुछ फोटोज तो नजर नहीं आ रहे, सिर्फ एक फोटो है कलाम हॉस्पिटल की और एक फोटो है जो माधवी लता मुस्लिम खवातीन के साथ खड़ी हुई है, जबकि माधवी लता ने कहा कि वो कई फ्री हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज कर चुकी है, बट यहाँ तो ऐसे कोई डिटेल्स, प्रूफ, फोटो वगैरह नजर नहीं आता। फिर जब लास्ट में आप फूड डिस्ट्रीब्यूशन के टैब पर क्लिक करेंगे तो वहां पे आप देख सकते हैं 3 फोटोज है, और आई थिंक ये कोविड के टाइम लिए गए फोटोज है। अगर आप फर्स्ट फोटो पर क्लिक करेंगे और जूम करेंगे तो आप देख सकते हैं कि उसमें लिखा हुआ है कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन बाय टुडेज कलाम फाउंडेशन इन कोलैबोरेशन विद लोपा मुद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट। इसका मतलब टुडेज कलाम फाउंडेशन के काम के साथ उन्होंने अपने ब्रांड का नाम ट्रस्ट का लगाया है, फूड डिस्ट्रीब्यूट किया, और ये तीनों फोटोज एक ही दिन के है, एक ही दिन में क्लिक किए हुए ये 3 फोटोज आप खुद देख सकते हैं। लेकिन माधवी लता जी जो है नेशनल मीडिया पर इंटरव्यूज में ये बता रही है कि वो कई सालों से जो है सोशल सर्विस कर रही है, चैरिटेबल एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व है, कई लोगों की उन्होंने मदद की, ये किया वो किया, लेकिन उसका कोई प्रूफ, डिटेल्स, फोटोज हमें उनके ट्रस्ट के ना वेबसाइट पर नजर आता है, ना तो कुछ सोशल मीडिया पर नजर आता है। माधवी लता जी बिल्कुल मोदी जी की तरह झूठ बोलती है, जुमलेबाजी करती है, शी इज अ बिग फ्रॉड, बिकॉज लोगों की मदद करना तो छोड़ो, शी हैज लूटेड पीपल, वो भी वो टाइम पे जब लोगों को ना कब्रिस्तान में जगह मिल रही थी, ना शमशान घाट में किसी को जगह मिल रही थी, कोविड के टाइम पर विंची हॉस्पिटल्स का लाइसेंस 2 बार कैंसिल हुआ था, 1 बार ओवर बिल्डिंग के लिए और 1 बार पेशेंट्स की मिस ट्रीटमेंट के लिए। तो जो है लोगों की लाशों पर भी जो है उन्होंने पैसा कमाया है, लोगों को लूटा है, अपना बिजनेस किया है, तो शायद यही उनके कारनामे देखकर भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया है। जिस तरह मोदी जी जो है बचपने में मगरमच्छ के बच्चे को पकड़ के लाए थे, जिस तरह उन्होंने बांग्लादेश की आजादी के लिए जो है सत्याग्रह करके अरेस्ट हो गए थे, शायद जिस तरह मोदी जी जो है 1988 में डिजिटल कैमरा यूज कर रहे थे, ईमेल यूज कर रहे थे, जबकि उस टाइम पे जो है इंडिया में ना तो ईमेल था ना तो डिजिटल कैमरा था, तो शायद उसी तरह इतने साल से जो है माधवी लता जी सोशल सर्विसेज में इन्वॉल्व है, चैरिटेबल एक्टिविटीज कर रहे हैं, जबकि उनके ट्रस्ट का ना कोई रजिस्ट्रेशन था, ना कोई फोटोज है, ना कुछ प्रूव है। तो ये है आपके लिए फेकू प्राइम मिनिस्टर की फेकू कैंडिडेट। एएचए न्यूज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।